Hello, good morning all of you. Class 11, trigonometric function. ये हम start करते हैं. Chapter third है आपका. Third chapter है. Class 11, trigonometric function. Okay. सबसे पहले हमने इसके लिए angles का knowledge होनी चाहिए. Angles कैसे कहते हैं? वो तो सबसे पहले आप पढ़ चुके हो. But फिर भी एक बार थोड़ा देख लो. Suppose ये आपने आपकी रे है और ये रे है और दोनों जो मीट होती हैं वर्टेक्स के ऊपर, ओके, देन वर्टेक्स आपका ओ है, ये आपका टर्मिनल साइड है, ये आपकी इनिशियल साइड है, जहां से आपका एंगल स्टार्ट होगा, जहां से आपका एंगल बनना स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं इनिशियल साइड, जहां से स्टार्टिंग होगी, स्टार्टिंग मतलब इनिशियल, ओके, यहां पर हमारा एंगल खत्म हो रहा है, मतलब कंप्लीट हो रहा है, उस साइड को बोलते हैं हम टर्मिनल साइड, ओके, तो इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड दोनों समझ में आ गई. नेक्स्ट, ये तो वर्टेक्स आपको पता ही है, जहां पर दोनों रेस मीट होती हैं उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं. इसके बाद आप आगे आ जाओ, रेडियन. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए रेडियन क्या होता है. अगर किसी सर्कल के अंदर ये रेडियस आपकी 1 यूनिट है, ये आपकी 1 यूनिट है और ये भी आपकी 1 यूनिट है. अगर तीनों चीज हमारी 1 यूनिट हो जाती है, इट मीन्स ये आपका 1 रेडियन होता है, ओके. आगे 1 रेडियन इक्वल्स टू 180/π. इसको थोड़ा सा वैसे ध्यान कर लेना, 180 इक्वल्स टू पाई बाय 180, क्योंकि कन्वर्जन में आपके आपके बहुत काम आएगा. अगर ऐसे समझना है तो आप ऐसे समझ लेना, जो आपका सर्कल होता है वो इक्वल होता है 2π, 2π इक्वल्स टू 360 डिग्री, ओके, देन पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके. अगर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं 1 डिग्री कितना होगा, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180, ये चीज जो हमने पहले से यहां पर लिख रखी है, ओके, ये आंसर आपके पास आ गया. इसके बाद अगर हम फाइंड आउट करना 180 कितना होगा, तो ये बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, आप फाइंड आउट कर सकते हो वहां से, ओके. तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते जाएंगे उसी हिसाब से हम आपको आगे आगे बता देंगे इसमें क्या चीज होनी है, क्योंकि एक बार पहले से क्वेश्चन से सारे चीजें बता दी जाएंगी तो उसमें कंफ्यूजन होता है. क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन. इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन के लिए अगर डिग्री में दे रखा है आपको, डिग्री और मिनट में दे रखा है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पाई बाय 180, ओके. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ये डिग्री में है कि मिनट में है, 40 डिग्री 20 मिनट मींस 20/60, ये भी आपका किसमें हो गए, डिग्री में हो गए. अब 0 से 0 कैंसिल 2, 3 टाइम, ओके, देन 40 डिग्री 1/3, ये भी आपका डिग्री में हो गया. अब हम क्या करेंगे, इसको किस में लिख लें, इन प्रॉपर में चेंज करके लिख लो, 4 3 12 120 + 1 121 / 3, ओके, ये आपका हो गया, इसमें डिग्री में ही है. अब हम किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, रेडियन में, रेडियन के लिए चाहिए हमें पाई बाय 180, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर कर लो 121/3 इनटू पाई बाय 180, पाई बाय 180, ओके, ये कितना हो जाएगा 121 π / 354 रेडियन, ओके, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पाई बाय 180 कर देंगे. और अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, उसके लिए क्या 180/π, इससे कर देंगे, ओके. सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर, इसको हमें डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, समझ लो इसको यहां से रेस कर लेना है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना है.
सिक्स रेडियन। सिक्स रेडियन है, इसको हमें डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। तो सिक्स रेडियन को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करेंगे, सिक्स इंटू अभी हमने क्या बताया था 180/5 ये बताया था। ओके अब 6 इंटू 180/5 क्या होगा 22 कौन सा है, इसको यहाँ पर पुट कर दो, कर लिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने का क्या है, 2 3 6 उसको कैंसिल कर दो 11, इनको मल्टीप्लाई कर दो 540 × 7 अपॉन 11। ओके अब 7 का भी मल्टीप्लाई से साथ कर दो, 7 × 28 7 × 35 35 × 37 0 × 11। ओके अब ये किस में है, ये तो आपका डिग्री में है, अब डिग्री से हमें किस में कन्वर्ट करना है, अगर मिनट में आया तो मिनट में कर दो, ओके सेकंड में आया तो सेकंड में कर दो, तो 11 के डिवाइड हो जाएगा, तो 11 के जो डिवाइड करेंगे 11 × 33 ओके कितना हो जाएगा 4, 11 × 4 = 44 ओके 4 आएगा 11 × 33 343 कितना बचेगा 7 7 7 upon 11। ये एक तरह से जैसे करते हैं ना इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, वही मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ये आपका डिग्री है ओके, ये भी डिग्री है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे हम क्या करते हैं 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑलवेज लर्न इट, 1 degree = 60 minutes ओके 60 मिनट एंड 1 minute = 60 seconds ओके देन 343 × 420/11 इसको डिग्री डिग्री में लिखो, डिग्री में ये किस में कन्वर्ट हो गया है, ये मिनट में आ गया, इसको भी मिनट में चेंज करो 343 डिग्री इसको कन्वर्ट करेंगे तो 11 3 33 ओके 33 कितना रह जाएगा आपके पास 92 92 रह जाएगा 11 8 88 ओके 38 करके देख लो, अगर वैसे 11 420 11 3 33 कितना आ जाएगा 9 0 90 11 8 88 2 तो 38 मिनट क्या रह जाएगा आपके पास 2 upon 11 ये फिर से बच गया हमारे पास। अब इसको किसमें कन्वर्ट कर लेना है, इसको कन्वर्ट कर लो आप सेकंड में, सेकंड में कन्वर्ट करें फिर से अगेन डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 60 343 डिग्री 38 मिनट और ये कितना हो जाए 120 upon 11 जब 11 के डिवाइड इसके अंदर दोगे तो क्या आंसर आएगा, 11 के डिवाइड 120 11 × 11 ओके हम करके निकालते हैं सॉल्यूशन कैसे करना है 0 ओके तो 10 क्यों डिवाइड नहीं जा रहा है इसमें, हमने क्या करा 0 ले लिया अगेन 0 पॉइंट 11 99 इट मींस 10.9 343 डिग्री 38 मिनट ओके एंड 10.9 सेकेंड। अगर इसको हम ऐसे में लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकेंड अप्रॉक्स ओके इट्स योर आंसर। नौ चीज समझ में आ गई, एक तो है जब रेडियन होगा उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो आपकी जो एक्सरसाइज है 3.1 थर्ड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड सेकंड ये आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करना है।
ओके बॉयज, नेक्स्ट आप थोड़ा थोड़ा वर्क करेंगे तभी आपको समझ आएगा कि एक साथ देने से फायदा नहीं है। अब केवल वन एंड टू आज के इतना करना है। ओके स्टूडेंट, ओके वेट फॉर।